मेरे साथ हैं योगेंद्र सिंह यादव जी, जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवास साक्षी पर, और गणतंत्र दिवस पर आज आपका यहाँ पर सम्मान भी किया गया, हमने देखा। आप हमें उस क्षण के बारे में बताइए जिसके लिए आपको ये इतना, जो देश का जो प्रमुख वीर चक्र है, मिला। आज से 19-20 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स उसको द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी और टाइगर हिल की फतेह करने के लिए भेजा गया, चुना गया, और 18 ग्रेनेडियर्स के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हर मुकाम का बड़ी बहादुरी के साथ में उसका मुकाबला किया और एक नया इतिहास कायम किया था। मुझे भी उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, अपनी मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य मिला। टाइगर हिल के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून ने, जिसका मैं एक सदस्य था, हमने अटैक किया, और उस लड़ाई के दौरान लड़ते लड़ते मेरे 6 साथियों ने अपने आप को उस भारत माँ के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने अपने साथियों को उनकी शहादत होते हुए देखा है। एक एक क्षण, एक एक पल उनके अंदर न कोई डर था, वो हमेशा निडरता के साथ, आत्मीयता के साथ, लगाव के साथ, अपनी शौर्य, बहादुरी और पराक्रम के साथ लड़ते रहे। और ये हमारे देश और सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका चाहे शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके अंदर आखिरी सांस भी बची है, रक्त का एक कतरा भी बचता है, तब भी वो इस सरजमी को छोड़ता नहीं, बल्कि वो आखिरी क्षण तक लड़ते लड़ते उस अपने साथी के लिए, अपने उस मिट्टी के लिए शहीद हो जाता है। मैंने वो देखा है, उसको जिया है उन पलों को। तो मेरे साथी शहीद हो जाने के बाद 2 बार काउंटर अटैक हुआ हमारे ऊपर, मुझे भी 17 बुलेट लगे, 17 बहुत स्प्लेंडर्स लगे जी। लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी अपने साथियों की की शहादत के बाद, क्योंकि एक जुनून पैदा होता है। बिल्कुल, वो परिवार वाला भाई नहीं है, वो एक वो ऐसा भाई है, जो ऐसा रिलेशन है जैसे माँ और पुत्र का होता है, पिता पुत्र का होता है, तो जो एक पल के लिए भी उससे दूर होना नहीं चाहता है, उनका बदला लेने का एक जुनून पैदा हुआ, और उस जुनून के साथ उनके ऊपर हमला किया, और उस हमले में मैं कामयाब हुआ और वहां से उनको खदेड़ दिया जी। और फिर अपनी वाली एक जो टीम थी उसको भी सुरक्षित किया, और इसके लिए जो है भारत सरकार ने ये अवार्ड से मुझे नवाजा जी। नहीं, बहुत वाकई में आपने बिल्कुल अद्भुत वीरता का परिचय दिया। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आप वहाँ पर विषम परिस्थितियों में देखते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश के कोई अन्य भाग हो, जब विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक रक्षा करते हैं, अपनी परिवार की परवाह नहीं करते, लेकिन जब राजनीति की जाती है या उनको जब साधन संपन्न बनाने के लिए साजो सामान पर, अभी हमने देखा था किस तरह से राफेल को लेकर राजनीति हुई थी, या हम देखते हैं कि कभी सेना से उसके शौर्य पर सवाल उठा लिए जाते हैं, कभी सबूत मांग लिए जाते हैं, तो आप जब वहाँ पर तैनात होता है सैनिक, उसके मन में क्या भावनाएँ उमड़ घुमड़ रही होती हैं? नहीं, कौन क्या सोचता है, क्या करता है, उससे एक सैनिक का कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। वो फ़र्क उस सैनिक को अपने उसके काम से पड़ता है, अपनी सोच के साथ में पड़ता है जी। और वर्दीधारी है तो एक सैनिक है, जिसका जो पहला कर्तव्य है देश की रक्षा सुरक्षा करना, देशवासियों को विश्वास के साथ में उनको ये भरोसा दिलाना कि हम आपको हर हालत में सुरक्षित रखेंगे, राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे जी। और सैनिक उसके लिए हमेशा तैयार रहता है जी। और लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी से नहीं जी, जिगर से जीती जाती हैं। बिल्कुल, और जिगर और जज्बा, हौसला जी, और साहस जी, ये इंडियन आर्मी के सोल्जर के सिवा और किसी के पास नहीं है। एक सवाल और बनता है कि जम्मू कश्मीर में आप तैनात रहे हैं, 370 हटने के बाद से वहाँ की परिस्थितियों में कितना बदलाव आया है, इसके बारे में? नहीं, बहुत बदलाव आया है, धीरे धीरे और चेंज होगा जी। और वहाँ का जो यूथ है उसके अंदर जो सकारात्मकता धीरे धीरे आ रही है, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ता जा रहा है, वो तो इससे और राष्ट्र का जो है विकास होगा और हमारा देश सशक्त बनेगा जी। बहुत धन्यवाद।